हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे सेक्ट्रॉन C3 के बारे में। ये इसका सेकेंड बेस वेरिएंट है, फील नाम से आता है इसका वेरिएंट, देख सकते हैं। ये इंडिया में न्यू लॉन्च किया गया है सेक्ट्रॉन को फर्स्ट टाइम। कलर की बात करेंगे तो इसमें आता है ग्रे, ऑरेंज, वाइट और साथ में स्टील ग्रे, और साथ में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पर इसका हैलोजन हेडलैम्प दिया गया है और डे टाइम रनिंग DRL के साथ में LED में दिया गया है। फॉग लैम्प का ऑप्शन नहीं आता है, एसेसरीज में आप लगवा सकते हैं। इसका फ्रंट से पूरा लुक देख सकते हैं। नीचे दिया गया है बॉडी कलर स्किट प्लेट और ये इसका बम्पर देख सकते हैं, ब्लैक कलर में दिया गया है, मैट ब्लैक में। और सेक्ट्रॉन का लोगो फ्रंट में देख सकते हैं, कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है उसको। साइड व्यू देख सकते हैं यहाँ से, और यह देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है 195/65 R15 inch का स्टील रिम में इसका ट्यूबलेस टायर, C8 का टायर आता है। फेंडर पर दिया गया है इसका इंडिकेटर। ये इसका ग्लॉसी ब्लैक में दिया गया है ORVM। रूफ रेल दिया गया है शो के लिए, कोई भी लोड के लिए नहीं दिया गया रूफ रेल। डायमेंशन देख सकते हैं इसका, साइड व्यू। डायमेंशन की बात करेंगे तो 3981 mm इसका लेंथ है, 1733 mm इसका विड्थ है, और जो इसका हाइट है 1586 mm। व्हील बेस की बात करेंगे तो 2540 mm इसका व्हील बेस गाड़ी में दिया गया है। टर्निंग रेडियस इसका 5 मीटर है, 5 मीटर में गाड़ी अच्छे से घूम जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सस्पेंशन की बात करेंगे तो फ्रंट में इसका MacPherson स्टड विथ कॉयल स्प्रिंग आता है डिस्क ब्रेक के साथ, और रियर में है ट्विस्ट बीम विथ कॉयल स्प्रिंग ड्रम ब्रेक के साथ गाड़ी दी गई है। ब्रेकिंग सिस्टम अच्छा दिया गया है। ये इसका रियर का लुक देख सकते हैं, रियर से कुछ डिजाइन इस तरह से बनाया गया इसको। ये इसका देख सकते हैं पूरा रूफ, ये दिया गया है इसका स्पॉइलर, हाई माउंट स्टॉप लैंप दिया गया है ऊपर, प्लेसमेंट अच्छी जगह किया गया है। ये इसका देख सकते हैं बैक लाइट, टर्न इंडिकेटर के साथ दिया गया है, C3 की बैजिंग। यहाँ देख सकते हैं बीच में लिखा गया है सेक्ट्रॉन की बैजिंग और उसका लोगो दिया गया है। फ्रंट में इसका डिजाइन उसी तरह से दिया गया है, उसी में छिपा हुआ है उसका लोगो। यहाँ दिया गया है 2 पार्किंग सेंसर और पीछे दिया गया रिफ्लेक्टर, ब्लैक कलर का दिया गया इसका स्किड प्लेट, और नीचे का देख सकते हैं इसे ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा खासा दिया गया है। ये इसका की है, देख सकते हैं पावर की दिया गया है सेकेंड बेस में ही। ये यहाँ से ऑन कर सकते हैं, आप बूट ओपन कर सकते हैं। ये इसका फ्रंट डोर, फ्रंट डोर में देख सकते हैं दोनों पावर विंडो का कंट्रोल दिया गया है डोर ओपन करने के लिए। एडजस्टेबल दिया गया है मैनुअल, रियर व्यू मिरर जो है, ये इसका देख सकते हैं डोर। यहाँ दिया गया है कुछ स्पेस बॉटल होल्डर के लिए, और म्यूजिक सिस्टम दिया गया है, स्पीकर। इसका कैबिन का AC वेंट्स क्रोम फिनिश के साथ में। इसका फ्रंट का सीट देख सकते हैं, फिक्स हेडरेस्ट दिया गया है लेकिन सीट को कंफर्टेबल बनाया गया है। देख सकते हैं बकेट सीट है, दोनों साइड से अच्छा सपोर्ट दिया गया है। हाइट एडजस्ट कर सकते हैं इसको। ये इसका फ्रंट का डैशबोर्ड, इसका स्टीयरिंग देख सकते हैं, राउंड शेप में स्टीयरिंग है। यहाँ दिया गया है इंफोटेनमेंट के कंट्रोल, वॉल्यूम के कंट्रोल, बीच में दिया गया है सेक्ट्रॉन का लोगो। ये इसका MID स्क्रीन है, देख सकते हैं डिजिटल MID स्क्रीन दिया गया है, और सारे फंक्शन जितने भी हैं यहाँ आपको शो होंगे, यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। ट्रिप देख सकते हैं एवरेज क्या है, इकोनॉमी मतलब क्या दे रहा है, माइलेज क्या है, ट्रिप 1, ट्रिप 2, इस तरह से आप यहाँ से सेटिंग देख सकते हैं अपना।
आईडी स्क्रीन पे। ये इसका दिया गया है 10 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो सपोर्ट करता है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ऑक्स, यूएसबी, ब्लूटूथ के साथ दिया गया है। वॉइस असिस्ट के साथ भी आता है। यहाँ से आप लैंग्वेज सेट कर सकते हैं, वाईफाई, सारी सेटिंग दी गई हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम को बहुत ही शानदार बनाया गया है। हेडसअप इस इंफोटेनमेंट सिस्टम है, फ्रंट में फ्लोटिंग है, फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम देख सकते हैं यहाँ पे। एफएम यहाँ से अपना फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं लोकेशन के हिसाब से। इसका एसीबेंस का डिज़ाइन कुछ अलग दिया गया है, क्रोम फिनिश के साथ में राउंड में। ये एसी नॉब, फैन की सेटिंग, नीचे देख सकते हैं यहाँ दिया गया है यूएसबी के लिए पोर्ट, चार्जिंग के लिए हजार लाइट स्विच, यहाँ स्पेस दिया गया है 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, नीचे दिया गया है कप होल्डर। ये है इसका 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है, हैंड ब्रेक दिया गया है मैनुअल। यहाँ दो पावर विंडो कंट्रोल यहाँ दिया गया है और कुछ इस तरह से इसका डैशबोर्ड का डिज़ाइन है। IRVM देख सकते हैं। ये सनवाइजर पर दिया है वारंटी मिरर को पैसेंजर साइड में, और को उसका ड्राइवर साइड में नहीं दिया गया है कोई भी वारंटी मिरर। ग्लव बॉक्स, छोटा ग्लव बॉक्स है, ठीक है। इसका डैशबोर्ड का डिज़ाइन, यहाँ कुछ टेक्सचर दिए गए हैं पॉइंट पॉइंट करके। ये पूरा डैशबोर्ड, रियर डोर देखेंगे, यहाँ डोर हैंडल, यहाँ बॉटल होल्डर दिया गया है, स्पीकर दिया गया है रियर डोर में भी। इसका रियर सीट, दो हेडरेस्ट दिए गए हैं, फिक्स हेडरेस्ट दिए गए हैं दोनों। फैब्रिक अपॉस्टी सीट है ग्रे कलर में, पैसेंजर और ड्राइवर दोनों सीट पर दिया गया है पॉकेट रियर में। ये रियर से देख सकते हैं डिजाइन इसका। ये इसका नी रूम देख सकते हैं, अच्छा खासा इससे बचता है, सीटिंग कंफर्ट अच्छा है, थाई सपोर्ट भी अच्छा है। यहाँ कुछ स्पेस, यहाँ देख सकते हैं यूएसबी पोर्ट दिया गया है, चार्जिंग पोर्ट दो, बम्प बहुत ज़्यादा नहीं है, तीन लोग आराम से बैठ सकते हैं। देख सकते हैं रियर सीट के लिए दिया गया है दो ग्रैब हैंडल, फ्रंट में कोई भी ग्रैब हैंडल नहीं दिया गया है, फिक्स ग्रैब हैंडल दिया गया है। इसका रूफ देख सकते हैं प्लेन रूफ दिया गया है, बीच में थोड़ा सा बम्प है। ये बात करते हैं इसके बूट की, ये बूट ओपन हो गया है, अंदर से ओपन हो जाता है बूट, अच्छा खासा बूट स्पेस दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है बैग हैंगिंग के लिए, 3 kg तक का अपना कोई बैग आप हैंग कर सकते हैं इसमें, दोनों साइड में दिया गया है। यहाँ नीचे दिया गया है स्पेयर व्हील, स्पेयर व्हील की जो साइज है वो 1 inch छोटा आता है, यानी 14 inch का दिया गया स्पेयर व्हील देख सकते हैं, R14 स्टील रिम में आता है। बात करेंगे इसके सेफ्टी की, ये इसका पार्सल ट्रे दिया गया है, ठीक है, पार्सल ट्रे मजबूत दिया गया, बहुत कमज़ोर नहीं है। सेफ्टी देखेंगे तो इसमें दिया गया है ABS, ABD, दो एयर बैग, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, सीट बेल्ट वार्निंग, डोर अजर वार्निंग, साइट इंपैक्ट बीम, फ्रंट इंपैक्ट बीम दिया गया है, क्रैश सेंसर, इंजन चेक वार्निंग, स्पीड अलर्ट के साथ गाड़ी दी गई है।
फ्यूल टैंक की बात करें तो इसमें आता है 30 लीटर का फ्यूल टैंक गाड़ी में दिया गया है। और गाड़ी को इंडियन मार्केट के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है और प्राइस रेंज भी इसका उसी हिसाब से रखा गया है। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की। इंजन देखेंगे तो इसमें दिया गया 1.2 लीटर पावर टेक इंजन 1200 सीसी का 80 बीएसपी का पावर जनरेट करता है। 115 एनएम का टॉर्क, 3 सिलेंडर इंजन है और मैनुअल है। माइलेज की बात करेंगे तो कंपनी 19.8 केएमपीएल का माइलेज क्लेम करती है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।